अटल जी ने बनाया है और मोदी जी संवारेंगे उत्तराखंड भारतीय जनता पार्टी हर बार इस नारे को जबरदस्त तरीके से प्रचारित करती है जाहिर सी बात है अटल बिहारी वाजपेयी साहब ने उत्तराखंड राज्य का निर्माण किया था और नरेंद्र मोदी वर्तमान में भारत सरकार के प्रमुख हैं प्रधानमंत्री हैं और वो उत्तराखंड को हर संभव मदद उपलब्ध करा रहे हैं जरूरत से ज्यादा मदद उपलब्ध करा रहे हैं इसलिए बीजेपी इस बात को लगातार प्रचारित भी करती है केंद्र सरकार ने अब उत्तराखंड की शिक्षा व्यवस्था में जबरदस्त तरीके से बदलाव करने के लिए बड़ी भारी मदद करने की तैयारी कर ली है एक प्रोजेक्ट करीब एक हजार करोड़ रुपए का सैंक्शन हुआ है वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए यानी कि जो वित्तीय वर्ष चल रहा है या जो एजुकेशन का जो कैलेंडर चल रहा है इसमें उत्तराखंड सरकार को करीब एक हजार करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता केंद्र सरकार से मिलने जा रही है और इस मदद का इस्तेमाल उत्तराखंड की स्कूली शिक्षा विद्यालयी शिक्षा के बेहतरी के लिए किया जाना है शिक्षा अब राजनीति का बड़ा मुद्दा बनता हुआ नजर आया है इसलिए राज्य सरकार और केंद्र सरकार मिलकर इस दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं नरेंद्र मोदी साहब को मालूम है कि अगले चुनाव में शिक्षा एक बड़ा मुद्दा बन सकता है इस बार भी बन रहा था इसलिए अभी से तैयारी करने की आवश्यकता है पूरी खबर में आपको विस्तार से बताऊंगा लेकिन अपनी प्रकरण पर मैं आगे बढूं। उससे पहले आपसे मेरा आग्रह अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कर लीजिए नमस्कार मैं हूं मनमोहन भट्ट सबसे पहले मैं आपको खबर बताऊं 970 करोड़ रुपए का एक प्रोजेक्ट उत्तराखंड सरकार को मिल रहा है इस प्रोजेक्ट के जरिए राज्य के स्कूलों की व्यवस्था को बेहतर बनाने की दिशा में काम होगा शिक्षकों को हाईटेक बनाने की दिशा में काम होगा जहां लैब्स नहीं है वहां पर लैब्स बनाने की तैयारियां होंगी और जो स्कूलों के भवन टूटे फूटी हालत में हैं, उनको बेहतर किया जाएगा यानी कि जो विद्यालय शिक्षा है स्कूली शिक्षा है उसको दुरुस्त करने की तैयारी है कई जगह आवासीय स्कूल भी खोले जाएंगे मैं आपको बताऊं पीठसेन एक जगह है एक मसूरी है और एक कोलागढ़ है देहरादून में यहां पर आवासीय विद्यालय बनाए जाने की पूरी तैयारी हो रही है इस वित्तीय वर्ष में इस पर काम शुरू हो जाएगा हो सकता है काम शुरू हो चुका हो और अब उसका एग्जीक्यूशन हो रहा हो पहली से आठवीं क्लास तक बच्चों को जो यूनिफॉर्म होती है स्कूल की जो ड्रेस होती है वो और किताबें वो मुफ्त उपलब्ध कराई जाएंगी 840 स्कूल्स में लैब्स बनाई जाएंगी 1124 स्मार्ट क्लासेस तैयार की जाएंगी स्मार्ट क्लासेस मतलब जो डिजिटल बोर्ड होता है उसके जरिए टीचर पढ़ाते हैं डिजिटल बोर्ड में पढ़ाना थोड़ा आसान होता है प्रेजेंटेशन के फॉर्म में पढ़ाया जाता है बच्चों को एनिमेशन के फॉर्म में पढ़ाया जा सकता है यानी कि जो टीचर और बच्चे का संवाद है वो बेहतर हो सकता है टीचर को पढ़ाने में थोड़ी ज़्यादा सुविधा हो सकती है अब ये देखना जरूरी होगा कि उन स्कूलों में स्कूल चाहे लाइट की व्यवस्था हो इलेक्ट्रिसिटी की व्यवस्था हो जनरेटर की व्यवस्था हो इन्वर्टर की व्यवस्था हो वो निश्चित रूप से अगर स्मार्ट क्लासेस बनेंगी तो वो सारी व्यवस्था होंगी 200 स्कूलों में प्रोफेशनल एजुकेशन दी जाएगी यानी बच्चा जब बारहवीं पास करने के बाद कॉलेज में एडमिशन लेता है तो उससे पहले ही उसको थोड़ी सी व्यावसायिक शिक्षा दे दी जाएगी ताकि उसके भविष्य की राह थोड़ा आसान हो 133 स्कूल ऐसे आइडेंटिफाइड हो गए हैं जहां बहुत टूटे फूटी व हालत में है उनका भी जीर्णोद्वार किया जाएगा सरकारी स्कूल ऊंचे पायदान पर पहुंचे इसके लिए ये तमाम तैयारियां की जा रही हैं क्योंकि हमने देखा है जब दसवीं और बारहवीं के बोर्ड के रिजल्ट जारी होते हैं तो कई बार सरकारी स्कूलों से आगे सरस्वती शिशु मंदिर या विद्या मंदिर के बच्चे निकलते हुए नजर आते हैं और इससे कई बार सरकारी स्कूलों की दक्षता पर सवाल खड़े होते हैं अब यह माना जा रहा है तकनीकी रूप से शिक्षकों को भी तैयार किया जाएगा टैबलेट्स बांटे जाएंगे ताकि वो डिजिटल रूप से मजबूत हो सकें और खुद भी पढ़ाई करें और स्मार्ट क्लासेस स्मार्ट बोर्ड्स के जरिए अपने बच्चों को भी मजबूत कर सकें अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि अचानक से शिक्षा में ये बदलाव क्यों पांच साल भी बीजेपी की सरकार थी स्कूलों में कोई बड़ा भारी बदलाव होता हुआ दिखाई नहीं दिया बल्कि कई जगह जो प्राथमिक माध्यमिक या हाई स्कूल थे उनको बंद कई कई जगह किया गया क्योंकि अनाप शनाप कई जगह स्कूल खोल दिए गए थे जहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर था नहीं स्कूल खोल दिए गए बच्चों की संख्या लगातार कम होती गई क्योंकि पहाड़ों से पलायन होता गया गाँव से पलायन होता गया इसलिए कई स्कूलों को बंद भी करना पड़ा लेकिन अब सारी की सारी जो व्यवस्था है राजनीति का केंद्र स्कूली शिक्षा बनने जा रहा है और इस स्कूली शिक्षा को केंद्र में लाने का काम आम आदमी पार्टी ने किया है कांग्रेस से मैं तुलना नहीं कर रहा हूं क्योंकि कांग्रेस और बीजेपी एक ही पायदान पर खड़े हुए नजर आए हैं इसलिए दोनों एक दूसरे पर आरोप लगा सकते हैं अपनी उपलब्धि नहीं लेकिन आम आदमी पार्टी एक नैरेटिव सेट करने में कामयाब हो गई है कि दिल्ली के सरकारी स्कूलों का कायाकल्प हो गया है वहां पर स्मार्ट क्लासेस हैं बेहतरीन लैब्स हैं जो कि प्राइवेट स्कूलों को जिनको पब्लिक स्कूल बोला जाता है हालांकि वो प्राइवेट स्कूल होते हैं उनको बड़ी टक्कर दे रहे हैं और वहाँ शिक्षा का स्तर बहुत बेहतर हो गया है चुनाव से ठीक पहले उत्तराखंड में भी आम आदमी पार्टी ने अपने एजेंडे में स्कूलों को काफी महत्व दिया था मनीष सिसोदिया जो दिल्ली के उप मुख्यमंत्री हैं शिक्षा व्यवस्था की या शिक्षा मंत्रालय की कमान संभालते हैं वो आके कई स्कूलों का दौरा कर गए और सबसे महत्वपूर्ण था कि डोए वाला विधानसभा क्षेत्र में उन्होंने एक स्कूल का दौरा किया जिस स्कूल की हालत अच्छी नहीं थी डोए वाला विधानसभा मतलब त्रिवेंद्र सिंह रावत की विधानसभा ऐसे में ये नैरेटिव सेट करने में आम आदमी पार्टी कामयाब हो सकती है कि दिल्ली में उसने जिस मॉडल को अपनाया है उत्तराखंड में वो मॉडल क्यों नहीं अपनाया जा सकता इसलिए उत्तराखंड में अगले चुनाव से पहले शिक्षा व्यवस्था को बेहतर करने की दिशा में राज्य सरकार नहीं बल्कि केंद्र सरकार आगे बढ़ गई है सबसे महत्वपूर्ण बात अब यह है कि जो राज्य सरकार है या उसके शिक्षक हैं या उसका जो पूरा ढांचा है शिक्षा व्यवस्था का वो कैसे इस व्यवस्था को बेहतर बनाने की दिशा में काम कर पाएगा यह देखने वाली बात होगी लैब्स अच्छी हो सकती हैं बिल्डिंग्स अच्छी हो सकती हैं जो स्मार्ट क्लासेस हैं टेक्निकली वो बहुत मजबूत हो सकती हैं लेकिन शिक्षकों के बौद्धिक स्तर में क्या परिवर्तन किया जाएगा तकनीकी रूप से उन शिक्षकों को कैसे मजबूत किया जाएगा यह देखने वाली बात भी बहुत महत्वपूर्ण होगी कि क्योंकि कई जगह अभी तक टीचर्स जो है हो सकता है तकनीकी रूप से उतने दक्ष ना हो मैं बौद्धिक रूप से दक्षता की बात नहीं कर रहा हूं बहुत सारे जो शिक्षक होंगे हो सकता है गांव के क्षेत्र में वो तकनीकी दक्षता हासिल नहीं होगी तो ये देखना बहुत दिलचस्प होगा कि टीचर्स को स्मार्ट क्लासेस पढ़ाने के लिए कितना ट्रेन किया जाता है और कैसे ट्रेन टीचर अपने बच्चों को ट्रेन करते हैं ताकि भविष्य में जब वो स्कूलों से पास आउट होकर निकले तो कंपटीशन में बाकी स्कूलों से बाकी बोर्ड्स के मुकाबले बेहतर साबित हो सकें वैसे हम सब लोग जानते हैं कि सरकारी स्कूलों से पढ़ने वाले बच्चों ने बेहतरीन मुकाम हासिल किया है लेकिन अब उसमें कंपटीशन ज्यादा हो गया है और राजनीति भी ज्यादा हो गई है इसलिए अब और ज्यादा दक्षता की आवश्यकता महसूस होने लगी है तो यह देखना बहुत दिलचस्प होगा आने वाले कुछ वर्षों में शिक्षा व्यवस्था कैसे उत्तराखंड में बदल पाती है साथियों आपको हमारी यह रिपोर्ट कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा यह रिपोर्ट अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिएगा इसे शेयर करके अपने मित्रों तक जरूर पहुंचाइएगा और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब आप जरूर कर लीजिए नमस्कार